जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ झा और मैं हूँ बेगूसराय से और मैं एक पेशे से शिक्षक हूँ। मैं आज एक बेहद संवेदनशील मुद्दे को लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूँ। देखिए, ये ऑनलाइन की जो आभासी दुनिया होती है, इसमें सही चीज़ों को जज करना काफ़ी मुश्किल होता है और वैसे में शिक्षकों की कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती है जो सामने वाला स्टूडेंट या सामने वाला व्यक्ति हो सकता है कि उसको दूसरे अर्थ में ले ले। ऐसा ही हुआ है हमारे बिहार के खान सर के साथ। उन्होंने कुछ टिप्पणियां की है, हालांकि वो हास्यास्पद टिप्पणियां हो सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी धार्मिक समुदाय को ठेस पहुंचाने के लिए उन्होंने ऐसा ना कहा होगा। उन्होंने एक तर्क दिया होगा जो आजकल हमारे समाज में, आजकल हमारे जो सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के ज्ञान से ज़्यादा प्रेरित समझ में आता है। हालांकि फिर भी चीज़ों को बिना कुछ समझे, बिना कुछ उसकी गहराई में गए हुए किसी भी शिक्षक या किसी भी व्यक्ति पर टिका टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। और साथ ही साथ हम छात्रों को या हम शिक्षकों को या हम समाज के नागरिकों को इस चीज़ पर ध्यान रखना होगा कि हमको कौन सी चीज़ें अपनानी है और कौन सी चीज़ों को खाली छोड़ देना है। ठीक है, तो अब ट्विटर पर ट्रेंड चला के या फिर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को हिट करके क्यों इस पर इतना बढ़ावा देना। हालांकि खान सर की पढ़ाई काफ़ी अच्छी है, उन्होंने बच्चों को काफ़ी सम्मोहित किया है, काफ़ी अच्छी पढ़ाई कराते हैं, हर चीज़ पर अपने बेबाक राय रखते हैं। तो ज़रूरत है आज के समय में ऐसे टीचर्स की जो कि सामाजिक मुद्दों पर बोलें, उस पर सही गलत क्या है उसको करके समझाएं। ठीक है ना, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के किसी भी कंटेंट को, किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा तूल ना दें, है ना। आप ज्ञान की चीज़ों को बाकी रखें, बाद बाकी चीज़ों को इग्नोर करें, है ना। और शिक्षकों से भी विनम्रतापूर्वक निवेदन है, वो भी इस तरह की कोई भी कंट्रोवर्सी या विवाद में ना पड़े। धन्यवाद।